आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विराज चौहान है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि वो कविता को सुन के आपको आनंद आएगा। मेरी कविता का नाम है राष्ट्रप्रेम। देश छोड़ अंग्रेज गए, बदली नारों की भाषा, समय बदला साथ में बदली राष्ट्रप्रेम की भाषा। ड्राइंग रूम में बैठकर जब भी खाया गरम समोसा है, और देख के टीवी बात बात पर नेताओं को कोसा है, नेताओं को कोसा है। वही कश्मीर, वही घोटाले, ये समाचार नए थे क्या? नेता तो खुद हम चुनते हैं, वोट डालने गए थे क्या? प्रदूषण से भरे शहर में तुमने बच्चे पाले हैं, पेड़ लगाए तुमने कोई क्या? सबके मुंह पे ताले हैं। जनसंख्या विस्फोट देश की सबसे बड़ी परेशानी, संसाधन कम बढ़ने पर क्यों करती जनता हैरानी। परिवार नियोजन के नारे की मिलकर बोलो जय जयकार, एक हो प्यारा घर में बच्चा, पेड़ लगे हो एक हजार। अनपढ़ता के अंधियारे को मिलकर हमें मिटाना है, आसपास किसी अनपढ़ को पढ़ने को उकसाना है, पढ़ने को उकसाना है। कलम हाथ में उसे थमाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाओ, अपने ज्ञान के बड़े बल्ब से उसका दिया जलाते जाओ। घर में व्यय जले ना बिजली, आओ ऐसा प्रबंध करें, बड़े बूढ़े आदत डालें, बहते नल को बंद करें। कूड़ा डालो सिर्फ वही जहाँ रखा हो कूड़ेदान, छोटी छोटी बातों से ही बनेगा अपना देश महान। ऑफिस का काम करो मन से, ना टालो जब तक टलता है, याद रहे इसी से घर का चूल्हा जलता है। आज देश को नहीं जरूरत फांसी पे चढ़ जाने की, देशभक्ति यही सूरत नए जमाने की। अधिकार और कर्तव्य क्या ज्ञान हो सब में, ना कोई बेचारा हो, जनहित में कदम बढ़े तो पहला कदम हमारा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।